आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय रिंकू त्रिपाठी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि हम लोग क्लास ले रहे थे, आपको नंबर सिस्टम पार्ट 10 तक पढ़ा चुके थे। आज पार्ट 11वीं की क्लास है, तो हम सवाल आपको ये पढ़ा रहे थे, शेष फल पर आधारित प्रश्न। शेष फल वाले सवाल में हम आपको पढ़ा ये रहे थे कि यदि जो काम संख्या के साथ होता है वही काम शेष के साथ भी किया जाता है, यानी जो काम हम लोग संख्या के साथ करते हैं वही काम शेष के साथ भी करते हैं। तो एक प्यारा सा सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। सवाल ये है कि जब धनात्मक संख्या x, y और z को 31 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 17, 24 और 27 शेष फल प्राप्त होता है। जब 4x-2y+3z को 31 से विभाजित किया गया तो प्राप्त शेष फल ज्ञात कीजिए। एक बार आप लोग भी सवाल को देख लीजिएगा, बहुत आसान सवाल है। यानी हम लोगों के सवाल में सवाल ये कह रहा है कि हम लोगों के पास में संख्या x है, x को भी 31 से विभाजित किया गया, y को भी 31 से विभाजित किया गया और z को भी 31 से विभाजित किया गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको पढ़ा रखा है कि जो काम संख्या के साथ होगा वही काम शेष के साथ करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि संख्या x जो थी उसके साथ 4 से गुणा हुआ है, तो पहला शेष कितना था? 17। तो 17 को भी 4 से गुणा कराओगे, 4 × 17। दूसरी संख्या y थी तो y वाला शेष 24 है, y में 2 से गुणा हुआ है इसलिए यहाँ भी 2 से गुणा करोगे, तो 2 × 24, 2 × 24। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, जब 31 से जेड को विभाजित किया गया तो ये तीसरी संख्या बनी और शेष 27 बना, तो यहाँ जेड जो है वो 3 से गुणा कर रहा है तो शेष में भी 3 से गुणा होगा, 3 × 27। इसको जब गुणा करेंगे तो ये आपका बनेगा 17 × 64 और ये 24 × 48 बनेगा और ये 27 × 81 हो जाएगा। इसको मेरे प्यारे बच्चों जोड़ लीजिएगा, 8 और 1 9 होता है और 8 और 6 14 होता है, इसमें से 48 घटा दीजिएगा, 9 में से 8 गया, 1 बन गया, तो यहाँ से 14 में से 4 घटाओगे तो आपके सामने जो निकल के आ जाएगा वो 10 निकल के आएगा, यानी 101 आ गया। 101 जब निकल के आ गया तो ये पूरे का मान है 101, इसको भाग देना है किससे? 31 से, तो 31 का फाड़ा पड़ोगे 101 में तो 3 टाइम जाएगा, 31 या 93 होता है तो 93 होता है, 3 बार पहाड़ आ गया और रिमाइंडर कितना बचा? 8, यानी शेष निकल के 8 आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल का आंसर जो निकल के आ गया वो 8 निकल के आ गया। एक बार दोबारा समझने की कोशिश करिएगा, हमने आपको क्या बताया कि जो काम संख्या के साथ होगा वही काम शेष के साथ भी करेंगे, तो हम लोग संख्या के साथ 4 से गुणा किए थे इसलिए शेष के साथ में भी 4 से गुणा हुआ तो 68 आया, संख्या के साथ 2 से गुणा हुआ था तो शेष के साथ भी 2 गुणा हुआ 48 आया, संख्या के साथ में 3 से गुणा हुआ तो शेष में भी 3 से गुणा 81, 149 में 48 घटाएंगे तो रिमाइंडर निकल के आ जाएगा 8। तो ये हमने उम्मीद करते हैं कि सवाल बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसी क्रम में एक और सवाल ले रहे हैं, बिल्कुल सेम सवाल है जैसे अभी मैंने पिछला सवाल आपको पढ़ाया, बिल्कुल सेम सवाल है। एक बार आप लोग इस सवाल को देखने की कोशिश करिएगा, फिर उसके बाद दोबारा हम समझा रहे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है। सवाल आप लोगों ने देख लिया होगा, सवाल लिखा है जब धनात्मक संख्या ए, बी और सी को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेष जो है 9, 7 और 10 प्राप्त होता है। फिर कह रहा है a+2b+5c को 31 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको ये बताया कि जो काम संख्या के साथ होगा वही काम शेष के साथ करते हैं, तो संख्या के साथ हम लोगों ने इस बार संख्या आपकी a थी तो a में कुछ किया नहीं गया, लेकिन शेष कितना है? 9, तो 9 ही लिख देंगे। इस बार संख्या b थी तो b में 2 से गुणा हुआ, शेष 7 है तो 7 × 2 हो जाएगा, 5 है तो 5 × आपका जो है सी है, सी का मतलब ये शेष 13, 10 है तो 10 से गुणा करा देंगे तो ये बन जाएगा 9 और ये 7 × 14 हुआ और 10 × 5 = 50 हुआ। इसको जब जोड़ने की कोशिश करेंगे तो
तो ये आपका निकल के आ जाएगा 73, और 73 को जब हम लोग भाग करेंगे, ध्यान समझिएगा, इसको जब जोड़ेंगे तो ये आपका निकल के आ 64, 64 और 9 जब जुड़ेगा तो ये बन जाएगा 73, और 73 को 13 से ही भाग करना है, यहाँ पे गलत लिख दिया गया था। 73 को 13 से जब डिवाइड करेंगे तो 13 का पहाड़ा आप पढ़ेंगे तो 13 पचे 65, 13 पचे 65, 65 ओके 73 होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका जवाब जो निकल के आ जाएगा वो 8 निकल के आ जाएगा, इसलिए आपका आंसर जो है ये 8 निकल के आ गया। उम्मीद करते हैं ये सवाल भी समझ गए होंगे इसको अच्छे से। चलिए, इसी क्रम में एक और सवाल हमने आपके सामने लिया है। सवाल ये है, आप पढ़िएगा सवाल, देखिएगा। 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जा सकता है। तदनुसार वह अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणांक है? ये आपका सवाल है। तो ये सवाल है, तो आप सवाल लगाओगे कैसे, ये आप ध्यान दीजिएगा। कहा गया कि 71 एक अज्ञात संख्या, मेरे प्यारे बच्चों वो अज्ञात संख्या आपको पता नहीं है, तो हम लोगों ने ये माना कि वह अज्ञात संख्या x है। तो 71 में अगर अज्ञात संख्या x के गुणा करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 71x, 71x निकल के आ गया। अब फिर सवाल में क्या कहता है कि उस नई संख्या में, नई संख्या के गुणनफल में 47 जोड़ा जाए, मतलब ये जो नंबर निकल के आया है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कहा गया कि 47 जोड़ा जाए। ये 47 जोड़ दिया गया, और जोड़ने के बाद में हुआ ये, फिर कह रहा उसको 7 से भाग किया जाए। अब इसको 7 से भाग किया गया, और जब 7 से भाग किया गया तो आपका जो मान निकल के आ गया वो 98 निकल के आ गया। फिर बटा एक करके ऐसे तिरछा गुणा कर लीजिए, तो ये 71x+47, और ये बन जाएगा 7 8 56, 7 9 63, 63 और 5 68 होता है, यानी 686 निकल के आ गया। तो 71x=686 में से 47 घटा दीजिए तो 71x बराबर निकल के आ जाएगा ये 639, 639 निकल के आया मेरे प्यारे बच्चों। तो अब 71 से जब इसको काटोगे तो ये 9 बार में पूरा कट जाएगा, तो x की वैल्यू जो निकल के आ गई वो 9 निकल के आ गई। x का मतलब वो अज्ञात संख्या जो निकालना था, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये 9 आपका आंसर नहीं हुआ। क्यों 9 आंसर नहीं हुआ? क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि वह अज्ञात संख्या जो है वो किसका गुणांक है। तो आपको पता है गुणांक का मतलब होता है ये 9 किसके पहाड़े में आएगी, तो 9 जो है वो किसके पहाड़े में आएगी, 3 के पहाड़े में आएगी। इसलिए हम लोगों का जो आंसर निकल के आया वो आंसर जो है वो आपका निकल के आ गया 3। मेरे प्यारे बच्चों, एक नया नियम आपको पढ़ाने चल रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है। नियम ये है शेषफल प्रमेय, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। बहुत जबरदस्त है, अपने सीजीएल में बहुत सारे सवाल इस पर बनते हैं, तो हम आपको समझाने चल रहे हैं। समझाने ये चल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों कि जो रिमाइंडर होता है वो निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। मतलब अगर शेष की बात की जाए तो शेष हम लोगों का जो है वो निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। तो इसी क्रम में एक हम आपको निकाल के सिखा रहे हैं। जैसे आपके पास 47 है, इस 47 को भाग किया जाए 8 से, तो ये रिमाइंडर निकल के आना है कि इसका जो निगेटिव रिमाइंडर है और पॉजिटिव रिमाइंडर है वो होगा क्या। तो 47 को मेरे प्यारे बच्चों जब हम 8 से भाग करेंगे तो इसका जो पहला वाला रिमाइंडर निकल के आएगा यानी पॉजिटिव वाला, वो 8 का पहाड़ा 47 में जब पढ़ोगे तो ये निकल के जाएगा 8 5 40, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो +7 आएगा। फिर 8 का पहाड़ा एक ज्यादा बार पढ़ोगे, 8 6 48, 48 से 47 कितना कम है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप कहेंगे कि 1 कम है, इसलिए इसका जो रिमाइंडर निकल के आए यानी इसके जो दोनों रिमाइंडर निकल के आए यानी जो दोनों शेष हैं, पॉजिटिव वाला आया 7 और निगेटिव वाला आया -1। लेकिन एक बात आपको समझनी ये है कि जो रिमाइंडर होता है वो रिमाइंडर आपका जो होता है
वो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है, बट जब लिखने की बात आती है तो हमेशा रिमाइंडर जो है वो पॉजिटिव लिखा जाता है, पॉजिटिव लिखा जाता है, यानी ये आपका रिमाइंडर जो है ये 7 है, एक रिमाइंडर आपका -1 है, लेकिन अगर कोई बच्चा जिद करने लगे कि नहीं हमको -1 के साथ में चलना है, तो ये जो निगेटिव रिमाइंडर -1 आया है ये भाजक में से एक घटा देंगे तो 8 में -1 निकल के चला जाएगा, तो हम लोगों का रिमाइंडर जो है वो 7 निकल के आ जाएगा। हम उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। इसी क्रम में एक और हम समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे अपने पास में एक नंबर लिखा है 93, और 93 को भाग दिया जाए 7 से, 93 को 7 से भाग किया जाए, तो अगर आपसे कहा जाए कि इसके दोनों रिमाइंडर आप बताइए, निगेटिव वाले भी और पॉजिटिव वाले भी, तो फिर 7 का पहाड़ा हम लोग जब पढ़ेंगे तो आपको पता है 13 सते 91, 91 से ये 2 ज्यादा है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इसका जो पॉजिटिव वाला रिमाइंडर आ गया वो 2 आ गया। अब फिर आपको पता है 14 सते 98, 98 से 93 जो है वो 5 कम है, इसलिए अपना जो है निगेटिव वाला रिमाइंडर निकल के आ गया -5। हम उम्मीद करते समझ रहे होंगे। अब पॉजिटिव वाला रिमाइंडर जो है वो 2 आया, निगेटिव वाला रिमाइंडर जो है वो -5 आ गया। अगर इस रिमाइंडर को आपको पॉजिटिव बनाना है तो जो आपका भाजक है 7, उसी में से इस निगेटिव वाले रिमाइंडर को घटा देंगे तो हमारा एक्चुअल में जो रिमाइंडर होता है वही निकल के आ जाएगा, यानी मेरा रिमाइंडर और आपका रिमाइंडर जो निकल के आ गया वो 2 आ गया। दोबारा एक एग्जाम्पल और लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना। जैसे अपने पास में 119 है, 119 को अगर 13 से भाग किया जाए तो आपको पता है कि 13 नवा 117 होता है, 13 नवा 117 होता है, तो इसका पहला वाला जो रिमाइंडर आया वो पॉजिटिव 2 आया, 13 धामा 130 होता है, तो इसका दूसरा जो निगेटिव वाला रिमाइंडर है मेरे प्यारे बच्चों वो निकल के आ गया -11। अब अगर इसको पॉजिटिव बनाना है तो क्या करेंगे, 13 में से 11 घटा देंगे तो अपना रिमाइंडर जो निकल के आ जाएगा वो पॉजिटिव जो निकल आएगा। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जो रिमाइंडर होता है वो पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है, बट जब रिमाइंडर को लिखा जाता है तो रिमाइंडर जो है वो सदैव पॉजिटिव में लिखा जाता है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आप लोगों को। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब जैसे हम गुणा करके रिमाइंडर निकालने चल रहे हैं, तो गुणा करके रिमाइंडर जब निकालोगे आप तो आपके सामने एक नंबर हमने लिख दिया 17 × 43/7, तो आपसे ये कहा जाए कि 17 पे 7 से भाग देने पे दोनों रिमाइंडर आपको बताने हैं, पॉजिटिव वाला भी और निगेटिव वाला भी, तो 7 से 17 में जब भाग करोगे तो इसका जो पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा वो 3 आएगा, और जो निगेटिव वाला रिमाइंडर आएगा वो आपका जो निकल के आएगा वो -4 आएगा, यानी 17 को 7 से डिवाइड किया गया तो पॉजिटिव वाला रिमाइंडर 3 आया और निगेटिव वाला रिमाइंडर जो है वो -4 आया। अब अगर इसी तरीके से 43 पे चेक किया जाए तो आपको पता है पॉजिटिव वाला रिमाइंडर जो है वो +1 आएगा और निगेटिव वाला रिमाइंडर जो है मेरे प्यारे बच्चों वो -6 आएगा, माइनस कितना आएगा 6। अब दोनों नंबर को अगर गुणा करके रिमाइंडर निकालते हो वही चीज आएगी जो हम बताने चल रहे हैं। कोई लड़का आपसे जिद करने लगे कि नहीं हमको प्लस प्लस के साथ चलना है, तो पहला रिमाइंडर जो है वो +3 है और दूसरा जो है वो +1 है, तो प्लस प्लस का गुणा प्लस होता है और 3 × 1 लिखेंगे तो हम लोगों का जो फाइनली रिमाइंडर निकल के आ गया वो 3 आ गया। अगर हम 17 का गुणा 43 में करते और गुणा करने के बाद जो आता उसको 7 से भाग देते तो भी हम लोगों का रिमाइंडर जो है वो 3 ही आता, बट अगर कोई ये कहता है नहीं हमको एक पॉजिटिव लेना है और एक निगेटिव लेना है, तो आपका पॉजिटिव वाला रिमाइंडर 3 है और निगेटिव वाला रिमाइंडर जो है वो -6 है, तो 6 का गुणा अगर 3 में करेंगे तो 6 × 3 = 18 होता है। अब इस 18 को सबसे पहले हम 7 से भाग कर लेते हैं, 7 से भाग करोगे तो ये निकल के आएगा 7 × 2 = 14, बचा 4, निगेटिव में बचा, तो हमने अभी आपको बताया कि निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, लेकिन निगेटिव कभी लिखा नहीं जाता है,
इसलिए निगेटिव को आप सबसे पहले पॉजिटिव बनाएंगे, और पॉजिटिव बनेगा कैसे, यानी 7 में से 4 घटाएंगे तो निकल के आ जाएगा 3। तो समझ गए, यानी रिमाइंडर आपका 3 निकल के आ गया। अब कोई लड़का जिद करने लगे, नहीं हमको दोनों निगेटिव के साथ ही चलना है, तो पहला निगेटिव आपका यहाँ जो था वो -4 था, दूसरा जो निगेटिव था वो -6 था। माइनस माइनस प्लस होता है, और 6 × 4 = 24 होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बचपन से ही बताया गया होगा कि जो आपका शेष होता है वो सदैव भाजक से छोटा होता है। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना है कि जो हम लोगों का शेष होता है वो सदैव भाजक से छोटा होता है, लेकिन यहाँ पे शेष तो 24 आ गया और भाजक कितना है 7। जब कभी आपको ऐसा लगे भाग देने पर कि आपका शेष जो है वो भाजक से बड़ा निकल जाए, तो उसी शेष को एक बार फिर से भाग करा देते हैं भाजक से। तो भाजक से भाग लगाओगे यानी 24 से, तो ये बन जाएगा 24/7। तो 7 × 21 और कितना 24, तो 3 = 24। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका फाइनली रिमाइंडर जो आया वो 3 आया। ये हम आपको बताना चाहते हैं कि कोई सीरीज अगर घोड़े में बहुत बड़ी हो तो आपका दिमाग निगेटिव पे पहुंच रहा है तो निगेटिव वाला ही लीजिए, अगर पॉजिटिव पे ही पहुंच रहा है तो पॉजिटिव वाला ही लीजिए, या निगेटिव और पॉजिटिव दोनों लेना चाहते हैं, सेम कंडीशन सेम आंसर आएगा, उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं, जब प्लस प्लस लिया गया था तो भी 3 आया था, प्लस माइनस लिया गया था तो भी 3 आया था, माइनस माइनस लिया गया तो भी कितना आया, 3 ही आया। यानी हर कंडीशन में जो आपकी शेष है वो बदलने वाले नहीं है। हम उम्मीद करते हैं समझ में आपको बहुत अच्छे से आ रहा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना है, आपको एक सवाल लिखा है 49 × 77/8, रिमाइंडर निकालना है, शेष निकालना है। तो जैसे मैंने पिछले वाले सवाल में आपको बताया कि आप चाहे निगेटिव के साथ चलिए, चाहे पॉजिटिव के साथ चलिए, या निगेटिव पॉजिटिव के साथ चलिए, आना सेम आंसर है। तो अब दोनों पे आपको बात नहीं बनानी, जिस पे आपका दिमाग पहुंच जाए उसी पे आपको चलना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 8 का पहाड़ा 49 में 8 का पहाड़ा 49 में 6 बार जाएगा, 8 × 6 = 48। तो पॉजिटिव में रिमाइंडर निकल के आ गया मेरे प्यारे बच्चों +1। अगर यहाँ हम लोग रिमाइंडर निकाले, 8 × 2 = 80 होता है, 80 से 77 छोटा है, कितना छोटा है, तो -3। तो यहाँ निगेटिव वाला रिमाइंडर निकल के आ गया -3। तो ऐसा करते, 1 और 3 का गुणा कराओगे, 1 × -3 तो निकल के आ गया आपका -3। हमने कहा कि रिमाइंडर कभी भी निगेटिव में होता नहीं है, इसलिए इसको पॉजिटिव बनाओगे, 8 में से आप 3 घटा दोगे तो मेरे प्यारे बच्चों आपका रिमाइंडर जो निकल के आ जाएगा वो 5 निकल के आ जाएगा। उम्मीद करते समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल हम समझाते हैं, फिर आपसे सवाल करवाते हैं। जैसे एक आपके सामने लिखा है 117 × 221, और इसको भाग देना है, इसको आपको भाग देना है 7 से, रिमाइंडर निकालना है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर हम 7 का पहाड़ा पढ़े इस तरफ, तो 7 का पहाड़ा अगर पढ़ेंगे तो 7 × 1 = 7 होता है, और 4 बचा, तो फिर आपको पता है कि अगर आप पहाड़ा पढ़ने की कोशिश करें तो आप लोगों को ये पता है कि जो है 20 × 7 = 140 होता है, बहुत ऊपर निकल गए। तो हम लोग 16 × 7 = 112 होता है, 16 × 7 = 112 होता है, तो रिमाइंडर जो है वो +5 निकल के आ गया, 12 × 5 = 17 होता है। या इसमें पढ़ा जाए, तो इसमें जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे जो रिमाइंडर आपका निकल के आ जाएगा ये भी +4 निकल के आ जाएगा, प्लस कितना 4 निकल के आ जाएगा, और 5 का गुणा 4 में करेंगे तो 5 × 20। हमने अभी अभी समझाया आपको कि अगर भाजक से शेष बड़ा निकल जाए तो ऐसे में उस शेष को फिर से भाजक से भाग लगा देते हैं, यानी 20 को भाग लगाएंगे 7 से, 7 × 2 = 14 और 14 × 20 होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप बताइए कि 14 × 6 = 20 होता है, इसलिए आंसर ये 6 निकल के आ गया। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसी क्रम में हम आपको सवाल धीरे धीरे करा रहे हैं।
मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने एक सवाल लिखा है, 77 गुणे 85 गुणे 73/9, और हम लोगों को शेष बताना है। तो हमने आपको बताया कि सवाल हम लोग करेंगे, और करने के बाद में जहां पे दिमाग लग गया वहीं पहुंच जाए। तो 9 का पहाड़ा अगर पढ़ा जाए तो 9 9 81 होता है, 81 से 77 कितना छोटा है, तो आप कहेंगे -4। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो निगेटिव वाला रिमाइंडर निकल के आ गया, -4 आ गया। यहाँ आपको पता है 81 होता है तो 4 बड़ा है, इसलिए यहाँ +4 निकल के आ गया। 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 72 होता है, तो 1 बड़ा है, इसलिए यहाँ भी आपका पॉजिटिव निकल के आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते समझ रहे होंगे, तो यहाँ -4 और यहाँ +4 और यहाँ 1, फिर 4 का गुणा 4 में 16, 16 एकम 16, तो -16 निकल के आ गया। रिमाइंडर जो है वो -16 निकल के आ गया। 9 से भाग लगा देंगे, थोड़ा छोटा कर लेंगे, तो ये निकल के आ जाएगा 9 एकम 9, आपका बनेगा -7। हमने अभी अभी आपको बताया कि निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है, लेकिन जब लिखने की बात आती है तो सदैव रिमाइंडर किस में लिखा जाता है, पॉजिटिव में लिखा जाता है। इसीलिए भाजक में से निगेटिव वाला रिमाइंडर घटा देंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो रिमाइंडर निकल के आ जाएगा वो 2 निकल के आ जाएगा। बहुत बढ़िया, समझ में आया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक और सवाल इसी क्रम में आपकी आंखों के सामने है। सवाल है 23 गुणे 34/9, 23 गुणे 34/9। समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से, कोई कठिन नहीं। गुणा भाग भी यहाँ से आपका बहुत मजबूत हो जाएगा। तो आप बताइए, 9 3 27, तो निगेटिव में रिमाइंडर हम लोगों ने ले लिया, निगेटिव में लिया कितना, -4, और 9 6 36, 2 छोटा है इसलिए यहाँ निगेटिव। तो आपको पता है निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, 4 2 8। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो रिमाइंडर निकल के आ गया वो 8 निकल के आ गया। समझ गए होंगे, 9 3 27 होता है, 27 से 23 छोटा था, कितना छोटा था, -6। 9 6 36, 36 से कितना 34 छोटा, -2। माइनस माइनस प्लस, 4 2 8, इसलिए रिमाइंडर जो निकल के आ गया वो 8 निकल के आ गया। सवाल है 43 गुणे 83/21, तो आप सब फिर से दोबारा नियम लगाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, 21 का पहाड़ा 43 में जब पढ़ेंगे तो हम लोगों का जो पॉजिटिव रिमाइंडर है वो पॉजिटिव रिमाइंडर निकल के आ जाएगा 21 दुना 42, 42 और कितना 43 होता है, तो आप कहेंगे, इसीलिए अपना जो रिमाइंडर है वो +1 निकल के आ गया। 21 6 84 होता है, यहाँ निगेटिव में निकल के आ गया, यानी यहाँ निगेटिव में रिमाइंडर आया। तो प्लस और माइनस का गुना करेंगे तो ये बन जाएगा +1 गुणे -1, तो रिमाइंडर मेरे प्यारे बच्चों निकल के आ गया -1। हमने कहा कि कोई रिमाइंडर अगर माइनस में होता है तो उसको पॉजिटिव कैसे बनाओगे, तो आपने कहा 21 में से 1 घटा देंगे तो हम लोगों का जो रिमाइंडर है वो निकल के आ जाएगा 20, इसलिए आंसर जो है वो 20 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसी क्रम में इस बार हमने आपके लिए 2 सवाल लिया है, 2 सवाल आपके लिए लिए हैं। पहला सवाल है 121 + 93/8, 130 + 147/11। तो सबसे पहले जब हम लोग 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 15 8 120, तो यहाँ पॉजिटिव वाला रिमाइंडर जो बना वो +1 बन गया, यानी पॉजिटिव में रिमाइंडर जो आया वो +1 बन गया। फिर अगर हम लोग सवाल में पढ़ने लगे तो आपको पता है 12 8 96 होता है, 96 से ये छोटा है, कितना छोटा है, तो -3 छोटा है, इसलिए यहाँ वाला जो रिमाइंडर निकल के आ गया वो निगेटिव में आ गया। तो पॉजिटिव और निगेटिव का गुणा निगेटिव होता है, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर निकल के आया मेरे प्यारे बच्चों वो निगेटिव में आ गया। इसको हम लोग पॉजिटिव बनाएंगे, 8 में से 3 घटा देंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो रिमाइंडर निकल के आ जाएगा वो 5 आ गया। हम उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही बिल्कुल सेम दूसरा सवाल भी है, 11 का पहाड़ा जब पढ़ेंगे तो 11 गुणे 12 132 होता है, 132 से 130 कितना छोटा है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे कि जी सर -2 छोटा है, इसलिए निगेटिव में हो गया। 132 से 130 जो 2 छोटा था इसलिए निगेटिव में आया। तो 11 का पहाड़ा 147 पे पढ़ोगे तो 13 टाइम जाएगा,
143 होगा, 143 से कितना बड़ा है 147? तो मेरे प्यारे बच्चों आपका जवाब आएगा कि +4। यहाँ निगेटिव में रिमाइंडर 2 आया, यहाँ पॉजिटिव में आया 4। निगेटिव का गुणा पॉजिटिव के साथ होगा तो निगेटिव आएगा, लेकिन आएगा कितना? -8। हमने कहा कि कोई भी रिमाइंडर निगेटिव होता जरूर है, लेकिन जब लिखने की बात आती है तो सदैव उसको पॉजिटिव में लिखा जाता है। इसलिए आप भाजक में से 8 घटाएंगे तो आपका जो रिमाइंडर निकल के आएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो रिमाइंडर निकल के आ जाएगा 3। इसलिए इसका आंसर भी हो जाएगा 3। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। एक और सवाल आपके सामने है, देख सकते हैं। 127 × 139 × 12,653 × 79 × 18,769 को भाग देना है 4 से। अब अगर इसको आप गुणा करने लगे, गुणा करेंगे तो काफी टाइम लगेगा, और गुणा करने के बाद में जितना मान आएगा उसको फिर 5 से भाग करेंगे तो भी वही रिमाइंडर आने वाला, ऐसा नहीं कि बदल जाएगा। तो फिर ऐसे में होता यह है कि आपको मैंने 5 का नियम बढ़ाया है मेरे प्यारे बच्चों। 5 का नियम हमने क्या बताया था कि कोई संख्या हो उसके अंत में या तो 0 मिल जाए या तो 5 मिल जाए तो वो नंबर 5 से विभाज्य होता है। तो फिर आप देखिए कि ये 7 है, 5 से 7 कितना बड़ा है? तो मेरे प्यारे बच्चों आपका जवाब आएगा कि +2 बड़ा है। तो इसलिए रिमाइंडर जो निकल के आ गया यहाँ +2 निकल के आ गया। अब 9 है, 10 से कितना छोटा है 9? तो मेरे प्यारे बच्चों आपका जवाब आएगा कि 10 से 9 एक छोटा है, इसलिए यहाँ का जो रिमाइंडर निकल के आएगा वो -1 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? अब अगर बात की जाए, ये 5 है, 5 से 3, 2 छोटा है, तो इसलिए यहाँ पे रिमाइंडर जो निकल के आएगा वो -2 निकल के आएगा। ये 9 है, 10 से कितना छोटा है? तो मेरे प्यारे बच्चों 10 से कितना छोटा है? -1 छोटा है। ये भी 10 से कितना छोटा है? -1 छोटा है, इसलिए रिमाइंडर जो है वो -1 होगा। यहाँ 5 से 7 2 बड़ा था इसलिए पॉजिटिव रिमाइंडर 2 हुआ, 10 से 9 1 छोटा था इसलिए निगेटिव रिमाइंडर 1 हुआ, 5 से 3 2 छोटा इसलिए निगेटिव रिमाइंडर 2 हुआ, 9 10 से 1 छोटा है इसलिए यहाँ निगेटिव रिमाइंडर 1 हुआ, 9 10 से 1 छोटा है इसलिए यहाँ निगेटिव रिमाइंडर 1 हुआ। अब आपको हमने बताया है कि निगेटिव और निगेटिव का गुणा पॉजिटिव होता है, निगेटिव और निगेटिव का गुणा पॉजिटिव होता है, सारे नंबर पॉजिटिव हो गए। तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका जो आंसर निकल के आ गया वो 4 निकल के आ गया। कितनी जल्दी आपका आंसर आ गया। अभी निकालना होता इसका गुणा इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, जितना आता उसको फिर भाग देते 5 से तो भी 4 ही आता। ना होगा तो आप मोबाइल से गुणा करके चेक कर लीजिएगा, एकदम सेम टू सेम आएगा। ये बस नियम बनाया गया कि आपका आंसर बहुत जल्दी लाया जाए। प्यारे बच्चों एक और सवाल आपकी आंखों के सामने है, सवाल बिल्कुल सेम वही पिछला वाला ही सवाल है, लेकिन बस अंतर इतना है कि वहां पे आपका मल्टीप्लाई यानी गुणा किया गया था और यहाँ एडिशन किया गया यानी जोड़ा गया है, बाकी बिल्कुल सेम प्रक्रियाएं होंगी, कोई अंतर नहीं होगा। तो यहाँ आप मेरे प्यारे बच्चों बताइएगा 5 से 7 कितना बड़ा है? आप कहेंगे कि जी सर +2, यानी 2 ज्यादा था इसलिए हम लोगों का जो प्लस वाला रिमाइंडर आया वो +2। 10 से 9 कितना छोटा है? तो मेरे प्यारे बच्चों -1 छोटा है, इसलिए यहाँ रिमाइंडर जो निकल के आ गया -1। 53 जो है यानी 3 जो है 5 से 2 छोटा है, इसलिए यहाँ निगेटिव में आ गया। 10 से 9 1 छोटा है इसलिए यहाँ -1 आ गया, 10 से 1 छोटा है इसलिए यहाँ भी -1 आ गया। तो ये आपका +2 -1 -2 -1 -1 +2 -1 -2 -1 -1 ये रिमाइंडर हो गया। तो जोड़ोगे तो मेरे प्यारे बच्चों +2 से ये 2 कट गया, तो आपको पता है 1, 1, 2 और 1, 3, लेकिन रिमाइंडर जो आया मेरे प्यारे बच्चों वो निगेटिव में आ गया, -3 आ गया। अब अगर ये माइनस है तो इसको पॉजिटिव बनाओगे, और पॉजिटिव बनेगा कैसे? मैंने बताया कि जो भाजक है उसी में से घटा देंगे, तो 5 में से 3 निकल जाएगा, आपका रिमाइंडर जो निकल के आ गया ये +2 निकल के आ गया। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप।
मेरे प्यारे बच्चों, एक और सवाल आपकी आंखों के सामने लिखा है। 1750 गुणे 1748 गुणे 1753 गुणे 70 गुणे 35, और इसको भाग देना है 17 से। तो फिर से हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा ही रहे होंगे सवाल को। तो अब इसको जब लगाओगे तो 17 51 होता है, तो 51 से जो 50 है वो एक छोटा है, इसलिए रिमाइंडर जो है वो -1 आ गया। 17 से फिर से 17 51, यहाँ -3 हो जाएगा क्योंकि 3 छोटा था। 17 51 2 बड़ा है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ जो रिमाइंडर निकल के आ गया वो +2 निकल के आ गया। फिर 17 64 2 ज्यादा है इसलिए +2 हो जाएगा। 17 2 34 1 ज्यादा है इसलिए +1 हो जाएगा। तो आपको पता है माइनस माइनस प्लस होता है। 1 3 3, 3 2 6, 6 2 12। तो मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल का जो रिमाइंडर है वो आपका निकल के आ गया क्या, 12 निकल के आ गया। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे और बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। मेरे प्यारे बच्चों एक और सवाल इसी क्रम में आपकी आंखों के सामने दिया गया है। जब हम आपको विभाज्यता यानी डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा रहे थे, तो हाँ मैंने एक बात आपको बताई थी कि विभाज्यता का नियम कहता है, 25 का नियम कहता है कि अंतिम दो अंक अगर 25 से विभाज्य हो तो पूरे के पूरे नंबर जो है आपके वो 25 से कट जाते हैं। तो 25 का पहाड़ा जब पढ़ोगे तो 25 या 75, लेकिन 73 है, तो 73 जो है वो 75 से कितना छोटा है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका जवाब निकल के आ गया कि -2 छोटा है। अब 25 या 75 जब कोई चीज पूरा कट जाता है तो मेरे प्यारे बच्चों उसका जो रिमाइंडर होता है वो 0 होता है। अब फिर 25 या 75 3 ज्यादा है इसलिए +3 हो जाएगा। फिर 25 2 50 7 ज्यादा है इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इसका रिमाइंडर जो है वो +7 हो जाएगा। 25 चौका 100 3 कम है इसलिए इसका रिमाइंडर जो है वो -3 हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे। वीडियो देखने के बाद में कमेंट जरूर किया करिए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो ये बन गया -2 और ये +0 +3 +7 -3, ये और ये कैंसिल हो गया, 7 में से 2 निकल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका जो फाइनली रिमाइंडर निकल के आया वो रिमाइंडर निकल के आ गया 5। बहुत अच्छे से समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। जो हम आपको क्लास ले रहे हैं नंबर सिस्टम पार्ट 11 पे हम लोग पहुंच गए हैं धीरे धीरे। नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा टॉपिक है, धीरे धीरे कोशिश करेंगे, इसलिए हम बहुत बड़ी वीडियो भी नहीं बना रहे हैं। आप हर क्लास देखा करिए, देखने के साथ साथ आप नोट्स बनाइए, और आपके नंबर सिस्टम में कुछ बचेगा नहीं। मैं इतनी गहराई में आपको पढ़ा दूंगा, यानी 0 से टॉप लेवल तक आपको यूट्यूब पे ही पढ़ा दूंगा। इसकी कोई फीस भी नहीं लगती है, आपको कहीं से कोर्स भी खरीदना नहीं पड़ेगा, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी अच्छे तरीके से ही। तो ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करिएगा कि अधिक से अधिक लोगों को हमारे वीडियो को शेयर करिए। बट देखने के बाद में अगर अगर क्लास वीडियो यानी आपने देखी, क्लास देखी उसकी, अगर समझ में आ रहा है देखने के बाद में शेयर करिए। जब आपको समझ में आ जाए तो फिर दूसरे के पास सेंड करिए, जिससे होगा ये कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकेंगे। और देखने के बाद में अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक भी कर दीजिएगा, और लाइक के साथ साथ कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इसके साथ में आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।